देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़े थे उस पे बेस्ड जो है हमारा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उसको आज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है कि इफ़ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, जेड प्लस वन बाय जेड का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन बाय जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड क्यूब बाय प्लस वन बाय जेड क्यूब का होल स्क्वायर, इस तरह से जेड पावर सिक्स प्लस वन बाय जेड पावर सिक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा ये हमको बताना है। ये क्वेश्चन जो है AIEEE 2007 में पूछा जा चुका है, ठीक है। अभी जो जेई मेन्स होता है, जेई मेन उसका वो हमारा 2012 से 2013 से पहले वो AIEEE के नाम से होता था, ठीक। ये 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो जो हमारा इक्वेशन हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बताए थे कि ये हमारा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या लग रहा है, इस तरह से लग रहा है चूंकि हमारा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इसका वैल्यू क्या होता है जीरो, तो इसका मतलब जेड की जगह ओमेगा रख देंगे तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जेड जो है वो ओमेगा है, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब तो हमारा जो प्रॉपर्टी होता है, अब प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा कि वन बाय क्यू वन बाय ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। और वन बाय ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा होता है, ठीक। और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू चूंकि जीरो होता है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, ठीक है। अब इसका यूज करके इसको वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं जेड प्लस वन बाय जेड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस वन बाय जेड को जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखते हैं जेड स्क्वायर यानी ओमेगा का स्क्वायर प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, वन बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर होगा तो इसका स्क्वायर प्लस, अब जो है जेड क्यूब यानी ओमेगा का क्यूब, और चूंकि ओमेगा का क्यूब क्या होगा यहाँ पे, ओमेगा का क्यूब जो है वो 1 हो जाएगा और ओमेगा का पावर 6 भी 1 हो जाएगा, तो ओमेगा का क्यूब यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 1/1, तो ये 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस। अब उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा का पावर 4, ओमेगा का पावर 4 ओमेगा का पावर 1 के इक्वल होगा, तो 1 + 1/ओमेगा का पावर 1/ओमेगा हो जाएगा यानी ओमेगा स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर प्लस। उसी तरह से हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ यहाँ पे जेड का पावर 5 का ओमेगा स्क्वायर यहाँ आएगा, तो 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर होगा तो इसका स्क्वायर प्लस। अब लास्ट में क्या होगा, 1/ओमेगा का पावर 6 1 होगा, तो ये 1 + 1/1 ये भी 1 हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर, इसका वैल्यू किसके इक्वल है देखते हैं। तो ये जेड प्लस जेड स्क्वायर यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है यहाँ पे, -1, ठीक है। ये -1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस, ये हमारा -1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस, ये हमारा क्या 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 प्लस, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा 4, तो कितना हो गया ये टोटल, टोटल हो गया हमारा 2, 4, 6, 6, 6, 12, तो 12 हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो 12 यानी ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज करके सॉल्व कर सकते थे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि इफ़ अल्फा बीटा गामा आर द क्यूब रूट ऑफ पी, जहाँ की पी जो हमारा निगेटिव नंबर है, ठीक है। देन फॉर एनी एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड किसी एक्स वाई जेड के वैल्यू के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा बाई एक्स बीटा प्लस वाई गामा प्लस जेड अल्फा का वैल्यू क्या होगा ये हमको बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है IIT का एग्जाम में 1989 को आ चुका है, ठीक है। तो इसको हमको कैसे बनाना था, यहाँ पे हम बताए थे किसी भी पी का अगर क्यूब रूट्स, एक हमारा अल्फा है तो दूसरा क्या होगा ओमेगा इंटू अल्फा, तीसरा हमारा क्या होगा ओमेगा इंटू अल्फा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ पी इसका वैल्यू अगर एक अल्फा है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू ओमेगा होगा, तीसरा अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे चूंकि हमारा अल्फा बीटा गामा आर क्यूब रूट्स यहाँ पे दिया हुआ है गिवेन, ये हमारा अल्फा बीटा गामा जो है क्यूब रूट्स गिवेन है, तो इसका मतलब बीटा का वैल्यू क्या हो गया, बीटा का वैल्यू हो गया अल्फा इंटू ओमेगा और गामा का वैल्यू क्या हो गया हमारा अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि किसका वैल्यू पूछ रहा है, ये हमारा पूछ रहा है एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा,
डिवाइडेड बाय, ये हमारा पूछ रहा है एक्स बीटा प्लस वाई गामा प्लस जेड अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये हमारा एक्स अल्फा, अल्फा को रहने देते हैं, बीटा को रिप्लेस करते हैं अल्फा इंटू ओमेगा, ठीक है, अल्फा के टर्म में, और गामा को भी अल्फा के टर्म में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस वाई इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू ओमेगा प्लस जेड, और गामा का वैल्यू अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स बीटा। तो एक्स इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू ओमेगा, ठीक है, प्लस गामा का वैल्यू क्या है, वाई इंटू गामा का वैल्यू क्या है हमारा, अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और हमारा ए जेड अल्फा, तो अल्फा है ही, तो ऊपर से देखो अल्फा कॉमन लेंगे और नीचे से भी अल्फा कॉमन लेंगे, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, और नीचे में क्या बच रहा है, नीचे में बच रहा है हमारा ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस जेड, जेड इंटू वन ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, वन ओमेगा क्यूब चूंकि वन होता है तो जेड इंटू वन। अब हमारा क्या होगा, नीचे से एक ओमेगा कॉमन कर ले रहे हैं, तो एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड डिवाइड बाय, अब यहाँ पे ओमेगा कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, तो ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो हमारा इसका वैल्यू क्या आ गया, वन बाय ओमेगा के बराबर आ गया, ठीक है। अब वन बाय ओमेगा हमारा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, ये वन बाय ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब -1 -√3i/2, ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से हमको सॉल्व करना, उस समय जो हमारा क्या आता था, आईआईटी का पेपर सब्जेक्टिव होता था, तो हमको आंसर लिखना होता था, ठीक। चलते हैं अब इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया हुआ है कि इवेलुएट द फॉलोइंग एज √3 iota/2 to the power 100 प्लस आयोटा -√3/2 to the power 100। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इस क्वेश्चन को हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से भी बना सकते हैं और हम यूलर्स थ्योरम से भी बना सकते हैं, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे बना सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, -1 + √3 iota/2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो तो दोनों साइड हम क्या किया, ओमेगा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आयोटा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस आयोटा प्लस, और यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, यानी -√3 हो जाएगा, ठीक है, अब बाई टू। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये हमारा आयोटा ओमेगा का वैल्यू आ जा रहा है, आयोटा इंटू ओमेगा का वैल्यू आ गया, माइनस कॉमन कर लिए, √3 iota/2, ठीक है। तो √3 iota/2 का वैल्यू क्या हो गया, तो यहाँ से ये निगेटिव का -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस आयोटा ओमेगा का वैल्यू हो गया √3 iota/2। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब चूंकि हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम कंजुगेट ले रहे हैं, ठीक है, तो कंजुगेट लेने से क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस आयोटा ओमेगा का कंजुगेट ये आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 iota/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आयोटा इंटू ओमेगा का कंजुगेट ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा इधर आयोटा माइनस √3/2, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो √3 iota/2, √3 iota/2 का वैल्यू क्या है, -iota ओमेगा स्क्वायर, तो -iota ओमेगा ये हो गया इसका पावर 100 प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, iota -√3/2 का वैल्यू आयोटा इंटू ओमेगा बार का पावर 100 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो आयोटा माइनस है, तो माइनस, तो -1 का पावर 100 तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आयोटा इंटू ओमेगा का पावर 100, ठीक है, प्लस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आयोटा इंटू ओमेगा का बार उसका पावर 100, ठीक। तो अब देखो तो ये हमारा आयोटा का पावर 100 इंटू ओमेगा का पावर 100, ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे क्या है, बार है, तो यानी आयोटा का बार हमारा क्या होता है, माइनस आयोटा हो जाता है, तो -iota का पावर 100 इंटू ओमेगा बार का पावर 100, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखें, ये हमारा आयोटा का पावर 100, तो आयोटा का पावर 4n, आयोटा का पावर 4n, n हमारा कोई इंटीजर होता है, इस मतलब
जो पावर में है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही इसका पावर हो जाएगा। तो 4 से डिविजिबल है यानी आयोटा पावर 0, यानी इसका वैल्यू 1 हो गया, ये 1 हो गया। और ओमेगा का पावर 100, तो ओमेगा का पावर 100, तो 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो इसका मतलब ओमेगा का पावर 1 के ये इक्वल हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये हमारा, ये तो हमारा 1 हो जाएगा आयोटा का पावर 100, 1, तो ये हमारा प्लस 1 इनटू ओमेगा बार का पावर 100, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा बार मतलब 1 हमारा क्या हो जाता है, देखो तो ओमेगा इंटू ओमेगा बार यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर यानी 1, तो ओमेगा बार का वैल्यू क्या हो गया, 1 बाय ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ये ओमेगा का पावर 200 हो गया। अब 200 में 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो ओमेगा, ये हमारा ओमेगा का पावर 2 के बराबर हो गया, ठीक है। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1, तो ये -1 जो हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया इसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज करके इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है यहाँ पे कि इवेलुएट द फॉलोइंग एज 3 + ω + 3 ω² √6। दूसरा हमारा क्या, 1 + ω - ω² × 1 - ω + ω², ठीक है। अब वेयर 1 और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है 3 √ यूनिटी है, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे बोल दिया कि ओमेगा हमारा जो दिया हुआ वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब क्या है, 1 + ω + ω², इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है, -1 हो जाएगा, -1 को इधर भेज देंगे, या फिर 1 + ω² का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 + ω² का वैल्यू -ω हो जाएगा, और 1 + ω का वैल्यू क्या हो जाएगा, -ω² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब पहला हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट में हमारा कह रहा है कि 3 + ω + 3 ω² यानी 3 + ω + 3 ω² इसका पावर 6, तो इसका वैल्यू बताना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब देखते हैं, तो 3 + 3 ω² एक साथ कर दिया प्लस ओमेगा 2 की पावर 6 हो गया। अब देखो 3 × ये हमारा 1 + ω² और प्लस ओमेगा, ठीक है, और इसका पावर हमारा क्या हो गया, 6। अब 1 + ω² 1 + ω² वैल्यू -ω हो गया, तो ये -ω यानी 3 × -ω यानी -3 ω प्लस ओमेगा की पावर 6 यानी ये -2 ω का पावर 6 हो गया, यानी -2 का पावर 6 यानी 32, ये 2 का पावर 6 कितना हो जाता है, 64। तो ये हमारा 64 ओमेगा का पावर 6, चूंकि ओमेगा का क्यूब जो है 1 होता है, तो ओमेगा का पावर 6 स्क्वायर कर दो तो 1 हो जाएगा, तो 64 × 1 = 64, तो ये 64 जो हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। बी पार्ट अगर देखें तो बी पार्ट में हम मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे शॉर्ट में बना देंगे, 1 + ω का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + ω का वैल्यू -ω², ठीक है। तो ये हमारा -ω² और -ω² यानी -2 ω², ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर और 1, तो 1 + ω² क्या हो जाएगा, 1 + ω² का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 + ω² का वैल्यू -ω हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, -ω और -ω, तो -2 ω, इसका मतलब ये -2 ω² × -2 ω, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 ω³, ω³ क्या होता है, 1, तो यानी 4 × 1, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 4। तो बी पार्ट का आंसर फाइनल जो हमारा 4 हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन में देखे तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लेट ओमेगा बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विथ, ओमेगा का वैल्यू 1 नहीं लिया है, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसका वैल्यू जो है, ये हमारा ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। एंड पी इज मैट्रिक्स पी आई जे, मतलब पी जो है वो मैट्रिक्स है जो कि उसका एलिमेंट पी आई जे है, और पी आई जे को कैसे डिफाइन किया है कि पी आई जे जो है वो ओमेगा का पावर आई प्लस जे के इक्वल है, ठीक है। देन अब उसके बाद क्या आ रहा है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू नोट जीरो वैन एन इज इक्वल टू वट, एन का वैल्यू क्या होगा ताकि पी स्क्वायर इज इक्वल टू नोट जीरो हो, ठीक है। अब ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इस तरह से, ऑप्शन दिया हुआ था कि फर्स्ट ऑप्शन है एन का वैल्यू अगर 2 होगा तब, थर्ड हमारा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन हमारा है, सॉरी एन का वैल्यू 2 नहीं 57 दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हुआ 57 दिया हुआ था फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन में हमारा एन का वैल्यू दिया हुआ 55, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ, एन का वैल्यू 51, और फोर्थ ऑप्शन में 56,
ठीक है, तो हमको बताना था इनमें से कौन सा हमारा सही होगा। ठीक है, ये हमारा जे एडवांस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो इसमें हमको करना क्या था कि सबसे पहले हमारा पी आई जे मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। ठीक, अब चूंकि हमारा अगर ये जो पी हमारा है डिफाइन किया गया है, ये हमारा क्या है एलिमेंट जो है पी आई जे है। ठीक है, और ये एलिमेंट पी आई जे इस तरह से डिफाइन किया गया है, ये हमारा एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। ठीक है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, और पी आई जे जो है वो हमारा ओमेगा का पावर आई प्लस जे के इक्वल है। ठीक, और कंडीशन यहाँ पे है कि पी स्क्वायर का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कब होगा, जब हमारा एन का वैल्यू कितना होगा तो हमारा ये सेटिस्फाइड होगा, तो वही एन का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारा मान लेते हैं एन इजक्वल टू वन। ठीक है, फॉर एन इजक्वल टू वन, तो एन का वैल्यू जब वन होगा तो वन क्रॉस वन डायमेंशन का होगा, तो वन तो एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, वन वन, आई और जे का वैल्यू वन वन, तो ओमेगा का पावर क्या हो जाएगा, टू। तो पी जो हो जाएगा वो हमारा ओमेगा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, उसमें एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा कभी भी ये हमारा जो है जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा नॉन जीरो होगा। तो एन एन का वैल्यू वन, तो वन कोई भी ऑप्शन में नहीं है। अब एन का वैल्यू अगर देखते हैं टू, ठीक है, तो एन का वैल्यू अगर टू देखें तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट में क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू, तो ओमेगा पावर टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब वन हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब मतलब ओमेगा पावर थ्री, यहाँ पे भी ओमेगा पावर थ्री हो जाएगा, और आई प्लस जे यानी टू प्लस टू फोर, ओमेगा का पावर फोर यानी ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया पी। तो अब यहाँ पे पी स्क्वायर निकाल लेते हैं इसके लिए। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर वन वन ओमेगा स्क्वायर, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है तो इसका स्क्वायर निकाल देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर फोर यानी ओमेगा प्लस वन इंटू वन 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 प्लस ओमेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यानी माइनस वन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू माइनस वन। इसी तरह से यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी टू ओमेगा स्क्वायर, और ये वन इंटू वन वन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा का क्यूब वन, वन प्लस वन टू हो गया। ठीक है, तो ये आ गया पी स्क्वायर जो कि हमारा जीरो नहीं है। ठीक है, अब एन का वैल्यू अगर थ्री लेते हैं, एन का वैल्यू अगर थ्री लेते हैं तो पी हमारा क्या आएगा, थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स बनेगा, थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे थ्री प्लस वन यानी फोर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन प्लस टू थ्री, तो यानी ये हमारा वन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे थ्री प्लस टू फाइव यानी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू प्लस थ्री फाइव, यानी यहाँ पे हो जाएगा टू और टू फोर। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री प्लस वन फोर यानी ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे वन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पी का वैल्यू। यहाँ से पी स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, और इसका इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर फोर यानी ओमेगा प्लस यहाँ पे वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो हो गया। उसी तरह से ओमेगा स्क्वायर इंटू वन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब वन, तो वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद निकालेंगे अगर, तो ये मेरा जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एन का वैल्यू थ्री पे हमारा जो है ये जीरो आ रहा है, तो मतलब एन का वैल्यू थ्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एन का वैल्यू अगर थ्री के मल्टीपल में हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉसिबल एन का वैल्यू जो होगा वो थ्री का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो एन इज नॉट मल्टीपल ऑफ थ्री। क्यों, क्योंकि चूंकि हमारा मान लेते हैं ऑप्शन अगर देखें तो एन का पी का वैल्यू अगर हमारा एन का वैल्यू 57 लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं मान लो एन का वैल्यू थ्री के लिए थ्री क्रॉस थ्री, ये हमारा क्या आ रहा, जीरो। ठीक है, इसलिए हमारा अब फोर लेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन जीरो आएगा, फाइव में भी नॉन जीरो, थ्री का मल्टीपल सिक्स लेंगे यानी एन बराबर थ्री सिक्स नाइन इस तरह से लेंगे, तो यह इस पे हमारा क्या आ रहा, पी स्क्वायर का वैल्यू
जीरो आ रहा है, लेकिन हमको बताना पी स्क्वायर का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, देखो तो ये 3 से डिविजिबल है, ये है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये हमारा नहीं है डिविजिबल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा डिविजिबल है और ये नहीं डिविजिबल है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फाइनल आंसर वो हमारा ऑप्शन बी और डी, बी और डी दोनों हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन बनाना था, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ ओमेगा विच इज़ नॉट इक्वल टू वन बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा जो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जो कि वन नहीं है, मतलब ओमेगा का वैल्यू वन छोड़ के कुछ और होगा, ठीक है। एंड वन प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर एन इज इक्वल टू वन प्लस ओमेगा का पावर फोर इज का पावर एन, देन लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन इज, मतलब एन का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो गिवेन हमारा क्या है, गिवेन है कि ओमेगा जो है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो ओमेगा अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका मतलब क्या है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम और ओमेगा का क्यूब जो है वो वन होगा, ठीक है। तो ओमेगा का पावर फोर, फोर हमारा क्या हो जाएगा, तो फोर में थ्री से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर वन बचेगा, तो ये ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो अब जो गिवन कंडीशन है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, तो इसका मतलब माइनस ओमेगा का पावर यहाँ पे क्या दिया हुआ है एन, तो माइनस ओमेगा का पावर एन इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा वन प्लस ओमेगा का पावर फोर, ओमेगा का पावर फोर का वैल्यू ओमेगा है, तो वन प्लस ओमेगा और वन प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर एन। तो इसका मतलब क्या है ये कि माइनस वन का पावर एन इंटू ओमेगा का पावर एन इज इक्वल टू ये हमारा माइनस वन का पावर एन इंटू ओमेगा स्क्वायर का पावर एन, तो माइनस वन का पावर एन कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है ओमेगा का पावर एन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का पावर एन, ये हमारा वैलिड होगा जब वैलिड होगा तो एन का कम से कम वैल्यू क्या होगा, तो ये तभी जो है इक्वल होगा जब हमारा एन जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ थ्री होगा, ठीक है, तभी हमारा वैलिड होगा। नहीं तो बाकी किसी भी केस में हमारा, जैसे मान लो एन का वैल्यू वन लिए, तो वन और मतलब वन लिए तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होगा नहीं होगा, टू लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा ओमेगा पावर फोर जो कि ओमेगा की इक्वल है, तो ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की इक्वल होगा, ये होगा नहीं होगा, लेकिन जब थ्री लेंगे तो ओमेगा पावर क्यूब क्या हो जाएगा वन, ओमेगा क्यूब वन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ओमेगा का पावर सिक्स, ओमेगा का पावर सिक्स भी वन होगा, तो इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा, तो एन हमारा क्या होगा थ्री, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ थ्री होगा, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है पॉजिटिव इंटीग्रल में थ्री है, तो ये हमारा एन का वैल्यू थ्री हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी के 2004 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, 2004 में आईआईटी में पूछा गया था, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, इस क्वेश्चन में देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है सो डैट एक्स एक्स टू द पावर थ्री पी प्लस एक्स एक्स टू द पावर थ्री क्यू प्लस वन प्लस एक्स टू द पावर थ्री आर प्लस टू वेयर पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इस क्वेश्चन को देख कहीं से भी नहीं लग रहा कि हम यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज करेंगे और उससे जो है हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं, चूंकि हमारा ये जो गिवेन है ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज, हम पिछले लेक्चर में बताए थे फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो ये हमारा एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक। तो ये हमारा इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं जो हमारा प्रूफ करना है, लेट ये हमारा पी एक्स को हमारा जो है फंक्शन है जिसका वैल्यू एक्स का पावर थ्री पी है प्लस एक्स का पावर थ्री क्यू प्लस वन प्लस एक्स का पावर थ्री आर प्लस टू है, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल इन एक्स है, ठीक है। अब देखते हैं ये अगर हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टर और ये भी हमारा पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा तो इसका मतलब इससे हमारा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, तो इसमें क्या लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगाते हैं, तो ये हमारा एक्स माइनस ओमेगा से हमारा डिविजिबल तभी होगा जब इस एक्स माइनस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स का वैल्यू ओमेगा रखेंगे और ओमेगा इस पर सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ओमेगा रख के इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा का पावर थ्री पी
ओमेगा का पावर, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के जगह ओमेगा रख दो, तो ये हमारा 3p+1 प्लस ओमेगा का पावर 3p 3r+2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब उसका पावर पी लिख सकते हैं, प्लस ये हमारा 1, ओमेगा का पावर 3p अलग, ओमेगा का पावर 1 अलग, तो ओमेगा का पावर 1, ओमेगा का पावर 3p को ओमेगा का क्यूब का पावर पी लिख सकते हैं। उसी तरह से ये ओमेगा स्क्वायर अलग कर दिया और ओमेगा पावर 3 का पावर आर हो गया, तो ओमेगा का पावर 3 क्या होता है, 1, तो ये हमारा 1 पावर पी 1 हो गया, प्लस ये हमारा ओमेगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, 1 पावर पी, ये भी हमारा 1 होगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 हो गया। चूँकि हमारा पॉलिनोमियल इन एक्स एक्स इक्वल टू ओमेगा पे हमारा 0 हो गया, इसीलिए जो हमारा क्या हुआ, एक्स माइनस ओमेगा जो है इसका एक फैक्टर हो गया, तो एक्स माइनस ओमेगा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, पी एक्स। अब जो है सिमिलर हम दूसरा फैक्टर देखते हैं, तो अब यहाँ पे क्या है कि पॉलिनोमियल इन एक्स एट एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पे देखेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आता है, अगर ये 0 हो गया तो एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का पावर 3p प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 3p+1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 3, ये हमारा 3q था, यहाँ पे 3r+2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर का पावर 3 हो जाएगा, तो ओमेगा पावर 6 का पावर पी हो जाएगा, प्लस उसी तरह से यहाँ पे ओमेगा पावर 6 का पावर क्यू इन टू ओमेगा स्क्वायर का पावर 1, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा का पावर 6 पावर आर इन टू ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ओमेगा पावर 4 अलग हो जाएगा। तो ये ओमेगा का पावर 6 1 होता है, तो ये हमारा 1 हो गया, ये 1 ये 1 ये 1, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4, चूँकि ओमेगा का पावर 4 क्या हो जाएगा, ओमेगा के बराबर होगा, क्योंकि 4 में 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये हमारा ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो चूँकि हमारा पी एक्स जो है एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पे 0 हो गया, इसका मतलब एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर जो हो गया इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो चूँकि पी एक्स का दो फैक्टर हो गया, एक्स माइनस ओमेगा और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसीलिए एक्स माइनस ओमेगा इन टू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर ये भी हमारा क्या होगा, इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल इन एक्स इसका हमारा एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हमारा जो हो जाएगा ये जो है फैक्टर हो गया, तो इसका मतलब ये डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो पी एक्स था वो डिविजिबल हो गया, डिविजिबल बाई एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इससे फैक्टर हो गया, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया इस तरह से, ठीक है, कि ये हमारा इससे डिविजिबल होगा, ठीक। ये हमारा था ओवरऑल जो हम पढ़े हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से, अब के एप्लीकेशन से किस तरह से क्वेश्चन बनता है, जेईई मेंस एडवांस सबका क्वेश्चन देख चुके हैं, तो होप कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, ठीक है।